ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि एनी फाखरा बेगम से कहती है कि आप इस तरह फान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकती, वो आयमा को पसंद नहीं करता, आप उसकी शादी उसकी पसंद की जगह पर क्यों नहीं करना चाहती, आखिर सिद्रा में बुराई ही क्या है, मैं खुद मिली हूँ सिद्रा से, मुझे उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं नज़र आई कि जिसकी वजह से आप रिश्ते से इनकार कर दें। तो ये सुनते साथ ही फाखरा बेगम कहती हैं कि मुझे ये बताने वाली आखिर तुम होती कौन हो, वो मेरा बेटा है, उसके लिए फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम बताओ कि मुझे अपने बेटे की शादी किस लड़की से करनी चाहिए, मैंने आयमा से अफान का रिश्ता तय कर दिया है और अब इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये सुनते साथ ही एनी कहती है कि आप ये अफान के साथ गलत कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि अफान और आयमा की शादी ज़्यादा देर तक चल सकती है, जिस रिश्ते में मोहब्बत ही ना हो क्या वो रिश्ता ज़्यादा देर तक चलेगा, आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रही कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बस आपको ये कह रही हूँ कि अफान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती ना करें, वो आयमा के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकेगा। तो ये सुनते साथ ही फाखरा बेगम कहती हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए जो फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर ही किया है, पहले ही बाहर की दो लड़कियां लाकर मैं इस घर में बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, मैं दोबारा से किसी बाहर वाली लड़की को अपना बेटा नहीं देना चाहती, तुम जाकर उमर को संभालो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अफान तुम्हारा देवर है, उसके लिए तुम्हारा इस तरह बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो ये सुनते साथ ही एनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि अफान से मेरा क्या रिश्ता है और मैं ये भी जानती हूँ कि अफान के लिए आप जो भी फैसला करेंगी वो अच्छा ही करेंगी, आप उसकी माँ हैं, जाहिर है आप उसके लिए कोई गलत फैसला तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आयमा से उसका रिश्ता कर दिया आपने तो अफान ये रिश्ता सिर्फ आपके कहने पर ही निभाएगा, मोहब्बत से नहीं।